नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाज सिद्दीकी चैनल पर। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्द ही कर ले, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में एक भयानक राज के बारे में बताने जा रही हूँ जो बेहद डरावनी कहानी है और शायद आपका दिल दहला दे। तो चलिए वीडियो की तरफ। मेरा नाम निशा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। वैसे तो मेरी शादी मणिपुर में हुई थी, पर शादी के 2 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था। अब मैं दिल्ली में अपने माता पिता के घर पर ही रहती हूँ और घरेलू झगड़ों की शिकार महिलाओं की सहायता में कार्यरत एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने से कोई औरत खुश तो नहीं होती, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहने से कई ज़्यादा अच्छा है अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ था। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोल रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो बस करो, मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई और नींद में यह सब तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराए। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया था कि इस राज का पता लगाऊंगी। अगले ही दिन मैंने सुबह अपनी सास को अपने पति का वास्ता देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे उनसे मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा, बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल लाल थी और वह मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने उस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर जाएंगे, इसलिए मैंने चुपचाप वहाँ से बाहर आना सही समझा। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए बड़ी बड़ी सोच रही थी कि आगे की ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा तो दिल बैठ गया क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने फौरन ही हॉल से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठा मेरा पति बेतहाशा रोए जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बात कर रहा था। यह सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी देर में मेरे पति बाहर आ गए और सारी बातों से मुकर गए और कमरे में भी कोई नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर गई और उन्हें सारी घटना बताई। मेरे पापा और माँ मुझे लेकर एक बाबा के पास गए, फिर उन्हें ये सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वह आपके पति और ससुराल वालों से परेशान होकर मरी है और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वही प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला
कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक की बात आगे रख दी और इस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीबी है जो मैं आज भी जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।